नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं टू व्हीलर टेक्नोलॉजी। दोस्तों ये है मेरे पास हीरो मैस्ट्रो एच 2016 मॉडल, और इस गाड़ी में प्रॉब्लम ये है कि इसका करंट जो है वो नहीं आ रहा है। तो मैंने फ़िलहाल देख पा रहा हूँ कि ये पूरी गाड़ी खोल ली है, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम है। तो दोस्तों मैंने आगे से और पीछे से पूरी ये गाड़ी खोल रखी है, तो आप देख पा रहे होंगे ये मैंने पूरी आगे से भी खोल रखी है और पीछे से भी। तो अभी इसमें जो है वो करंट नहीं आ रहा है, मैं आपको इसका करंट जो है वो चेक करा देता हूँ। मारो सेल्फ। तो इसमें जो है करंट नहीं आ रहा है, तो अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे अपने कौन कौन सी चीज़ें चेक करनी है। तो ये है मेरे पास मल्टीमीटर, और सबसे पहले आपको मैं आपको बता दूँ कि पूरी गाड़ी आपने खोल लेनी है और पूरी वायरिंग चेक कर लेनी है कि कहीं वायर वगैरह कटी पिटी तो नहीं है, या फिर कहीं शॉर्ट तो नहीं है, शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। और मैंने फ़िलहाल इसकी वायरिंग पूरी चेक कर ली है, वायरिंग बिल्कुल ओके है, कहीं भी शॉर्ट सर्किट नहीं है, और इसका जो भी है प्रॉपर वायरिंग जो है वो वर्क कर रही है। और यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप चाबी इसकी ऑन है, और कई बार क्या होता है जब वायरिंग हमारी शॉर्ट होती है तो यहाँ पे जो ये यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ होता है तो ये भी कई बार शॉर्ट होता रहता है। तो देख पा रहे होंगे ये फ्यूज बिल्कुल ओके है, ये शॉर्ट भी नहीं हो रहा है, फ्यूज बिल्कुल ठीक है, यानी कि वायरिंग जो है बिल्कुल ओके है। और यहाँ पर हमने CDI इसका अटैच किया है, ये CDI है इसका। और चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आपने कौन कौन से स्टेप चेक करने हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जब हमारे पास ये गाड़ी आई थोड़ी बहुत ही, हाँ इसकी जो वायरिंग है वो थोड़ी बहुत टेप वगैरह हुई है, क्योंकि किसी मैकेनिक के पास ये गाड़ी खड़ी हुई थी। और इसको पकड़ो, तो देखिए ये वाली जो दो वायर हैं ये अंदर से मैग्नेट वाली साइड से आई हैं, तो ये आप देख पा रहे होंगे ये मैग्नेट के अंदर से वायर आई हैं दोनों, और इसमें एक है पिकअप कॉइल की तार और दूसरी है इसमें लाइट कॉइल की तार। तो इसमें पहले मैं आपको इसका जो लाइट वाली कॉइल है वो चेक करा देता हूँ, यहाँ पे रखना। तो ये जो लाइट वाली तार है ये बिल्कुल ओके है, और इसमें कोई भी अर्थ की तार अंदर से नहीं आई हुई है, क्योंकि इसका जो अर्थ है वो चेसी के साथ दिया हुआ है। तो ये वाली लाइट वाली जो है ये ओके है। अब हमें इसकी पिकअप कॉइल कैसे चेक करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसके इस टॉपिक पे पहले भी वीडियो अपलोड किया है, अगर मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और पिकअप कॉइल चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है, तो ये वाली जो तार है ये है पिकअप कॉइल की तार, तो इसको मैं यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ। दूसरी तार जो है ये मैं यहाँ पर अर्थ दे देता हूँ, तो ये आप देख पा रहे होंगे जो पिकअप कॉइल की जो वैल्यू है तो ये ऐसे होनी चाहिए। हालांकि ये बिल्कुल कोई भी गाड़ी हो सबकी सेम नहीं होती है, हर बाइक की या स्कूटर की अलग अलग होती है। जैसे कि मान के चलिए TVS वाले कुछ और देते हैं और बजाज वाले कुछ और देते हैं, यामा वाले कुछ और देते हैं, तो ये वाली जो पिकअप कॉइल की ये वैल्यू है ये हर गाड़ी की कम ज़्यादा होती रहती है। तो मैं आपको बता देता हूँ लगभग 120 से लेके ये लगभग 250-280 के आसपास होती है, और हर गाड़ी की ये अलग अलग होती है। तो आपने ये पिकअप कॉइल कैसे चेक करनी है फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पिकअप कॉइल सही है। अब आपको क्या करना है, इस कंडीशन में हल्की सी आपने सेल्फ मारनी है या फिर किक मारनी है। इससे क्या होगा, जब हमारा मैग्नेट थोड़ा सा आगे पीछे होगा तो पिकअप कॉइल जो है वो करंट थोड़ा सा पल्स करेगी, तो यहाँ पर जो वैल्यू है ये कम ज़्यादा होगी, तो इस तरीके से पता कर पाएंगे आपकी पिकअप कॉइल सही है या ठीक है। तो मैं सेल्फ मारता हूँ, तो देखिए इसकी जो रीडिंग है वो कम ज़्यादा हुई है, तो यानी कि इसकी जो पिकअप कॉइल है वो बिल्कुल सही है। तो इसको हम फिट कर देते हैं, यानी कि हमारी पिकअप कॉइल और अंदर से जो लाइट कॉइल वो सही है, तो इन वायरों को हम बिल्कुल इनको जोड़ देते हैं। दोस्तों कोई भी आप करंट वगैरह चेक करने से पहले गाड़ी की आप अच्छी तरह से वायरिंग चेक कर लें, जैसे कि मैंने अभी इस गाड़ी की पूरी वायरिंग चेक की है और वायरिंग बिल्कुल ओके है। और आगे भी मैं वीडियो में आपको सब कुछ बताता रहूँगा। तो ये मैंने यहाँ से वायर इसकी जोड़ ली है, फिर
फिलहाल इसको मैं बाद में अच्छी तरह से दोबारा टेपिंग करूँगा, तो वीडियो लंबा ना हो तो जल्दी जल्दी मैं इसको ऐसे ही टेप मार देता हूँ। वायर यहाँ पे देखिए, तो ये पिकअप कॉइल वाली वायर हमने जोड़ दी है। अब हमें क्या करना होगा, अब हमें इसकी जो वायर हैं HD कॉइल और CDI की वायर चेक करनी होगी कहीं ये बीच में शॉर्ट तो नहीं है। और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो मेस्ट्रो एज है उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो ये आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक वाली तार, इसमें 12 वोल्ट का DC करंट आता है। तो इसमें मैं आपको करंट पहले चेक करा देता हूँ। यहाँ पे आपको रखना होगा इसको 20 पे, तो देखिए ये 20 पे मैंने सेट कर लिया है। अब इसकी वायर जो है, तो एक मैंने यहाँ पे अर्थ में लगा रखी है, इसको पकड़ो। देखिए मैंने 20 पे मल्टीमीटर को सेट कर लिया है और यहाँ पे मैंने इस वायर में जोड़ दिया है। और हमारी जो चाबी है वो ऑन है, इधर दिखा दो चाबी ऑन है, ऊपर मीटर दिखा दो, हाँ ऑन है, ठीक है इधर दिखा दो। तो ये आप देख पा रहे होंगे इसमें 12 वोल्ट का DC करंट आ रहा है। तो ये जो है इसमें, अगर आप इस वायर को कहीं चेसी के साथ अटैच करेंगे तो इसमें चिंगारियाँ उठेंगी, तो इसमें जो है करंट आता रहता है। कई मैकेनिक भाइयों को ये लगता है कि इसमें करंट नहीं होता है, क्योंकि ये ब्लैक वायर है, वो सोचते हैं कि ये अर्थ वाली तार है। तो इसमें जो अर्थ वाली तार है वो हरे रंग की है और इसमें जो है 12 वोल्ट का DC करंट आता रहता है। तो दोस्तों ये और ये वाली वायर आपने कभी भी इसके साथ अटैच नहीं करनी है आप उसमें दोनों, नहीं तो आपका जो CDI है वो शॉर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसको लगा देता हूँ। अब क्या करना है आपको, ये तो आपको पता चल गया इसमें जो करंट है वो आ रहा है, यानी कि इसकी वायर जो है बिल्कुल सही है। अगर ये वायर कहीं टूटी होती तो इसमें करंट जो है 12 वोल्ट का नहीं आता। तो इसको मैं इसी के अंदर लगा देता हूँ, ये तार ठीक है। अगर आपने तब भी चेक करनी है तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। पकड़ो, मैं चेक करा देता हूँ। देखिए मैंने इसकी चाबी गाड़ी की ऑफ कर दी है। अब यहाँ पे क्या करना है आपने, यहाँ पे एक वायर जो है इसकी यहाँ पे लगानी है और दूसरी वायर आपने CDI में लगानी है। इधर दिखाओ CDI की तरफ, दूसरी वायर इसकी जो है आपने, देखिए ये वाली ब्लैक वायर है, एक यहाँ पे लगानी है। इधर दिखाओ नजदीक मल्टीमीटर की तरफ, इसको मल्टीमीटर का आप अगर आपने कोई भी वायर चेक करनी है कि वो बीच से शॉर्ट है या नहीं है, तो आपको मल्टीमीटर यहाँ पे सेट करना है। देखिए मैंने यहाँ पे शॉर्ट कर, यहाँ पे मैंने इसको कर लिया है। अब आप इसकी साउंड सुन पा रहे होंगे, नज़दीक करो फोन थोड़ा, तो ये मल्टीमीटर की आप साउंड सुन पा रहे होंगे, ये टू कर रहा है, यानी कि इसकी जो वायर है ये बिल्कुल ओके है। तो अब मैं आपको इसकी दूसरी वायर चेक करा देता हूँ। इधर दिखाओ, तो दूसरी वायर जो है यार, ये दूसरी वायर ये वाली है, एक इधर हमने अटैच कर ली इसके साथ और दूसरी हमने इधर करनी है CDI। एक मिनट, दूसरी वायर है इसकी ये, तो दूसरी वायर इसकी ये है पिंक टाइप की। तो देखिए एक मैंने तार इधर अटैच की है, दूसरी मल्टीमीटर की इधर अटैच की है और इसकी भी साउंड सुनो, ये साउंड इसकी सुन पा रहे होंगे टू, यानी कि इसकी वायर जो है बिल्कुल ओके है। मैंने मल्टीमीटर यहाँ पे सेट किया है तो ये वायर जो है बिल्कुल ओके है। तो इनकी वायर जो है मैं अभी इसके साथ अटैच कर देता हूँ। तो अब हमें चेक करना होगा इसका जो, यानी कि वायर वगैरह ठीक है, पिकअप कॉइल सही है। अब हम इसकी चेक कर लेते हैं HD कॉइल। तो पहले यहाँ पे हम इसकी वायर वगैरह लगा देते हैं और देखिए जो CDI की वायर है सभी ओके है। फिलहाल ये एक वायर से भी इसकी ये टूटी है और इसको मैंने जोड़ा है यहाँ से डायरेक्ट,
तो ये वाली वायर जो है ये यहाँ से आप कलर देखें यहाँ से ना देखें, ये वाला कलर देख पा रहे होंगे आप, ये जो कलर है ये है इसका, ये वाली वायर जो है ये है इसकी सेल्फ की। तो इस अगर ये वायर जुड़ी नहीं होगी तो इसका सेल्फ नहीं काम करेगा। तो देखिए यहाँ पे प्रॉपर सही है। अब मैं आपको दूसरी कॉइल करो इधर। तो अब मैं इसकी जो वायर है वो मैं चेक करा देता हूँ। तो ये हमने HD कॉइल दूसरी अटैच कर ली है। अब मारो सेल्फ, मैं मारता हूँ। तो अभी भी करंट जो है इसमें नहीं आया, यानी कि इसकी HD कॉइल सही है और पिकअप कॉइल भी सही है। तो अब इसका जो है CDI इसका ख़राब है, तो हम इसका जल्दी से CDI ले आते हैं और फिर CDI इसका बदलते हैं। और जहां तक इसका जो है CDI ही ख़राब है, क्योंकि वायरिंग भी ठीक है, ये रख दो वहां जाके। तो इसका जो है ये HD कॉइल भी सही है और इसकी वायरिंग भी सही है और ये हमारी जो है पिकअप कॉइल की तारें भी सही है, पिकअप कॉइल भी सही है। अब मैं आपको बता देता हूँ इसमें कई चीज़ों का आपको ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे क्या करना होगा, अर्थ यहाँ से ना इसका बॉडी से दिया हुआ है, तो कई बार ये हमारी वायर वगैरह टूट जाती हैं या फिर ये बोल्ट वगैरह लूज हो जाते हैं, तब भी ऐसी प्रॉब्लम आती है। तो और यहाँ पे देखिए इन चीज़ों पे आपने ध्यान देना है। यहाँ पे देखिए ये भी अर्थ की तार है और ये मैंने जब आई थी हमारे पास गाड़ी तो इसकी वायर यहाँ से लूज थी। तो ऐसे भी जो होता है यहाँ से करंट वाली प्रॉब्लम आती है। तो चलिए हम जल्दी से इसका CDI ले आते हैं और फिर डालते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या इसमें कमी है। तो दोस्तों हम CDI नया लेके आए हैं और ये है इसका CDI। तो CDI हम इसका जल्दी से बदलते हैं, फिर हम देखते हैं इसका ये अंदर करंट आता है या नहीं। तो ये जो CDI है इसका, ये वाला मैं आपको बता दूं, मेस्ट्रो एज जो है, ये फ़िलहाल गाड़ी तो एज है पर इसका जो CDI है वो एज वाला नहीं है। इसका ये जो हमारे ड्यूट में या फिर प्लेजर में जो CDI पड़ता है वो वाला CDI है इसका, 3 सॉकेट वाला। और ये हम CDI इसका नया लेके आए हैं और ये देख पा रहे होंगे। और इसका मैं आपको MRP भी दिखा देता हूँ। ये है इसका MRP, कहाँ गया, ये है। और ये देसी CDI है, ये 1432 इस पर MRP है। मुझे मिला है ये 1080 का। और अगर आप बड़ी शॉप पे कहीं जाएंगे या आपको नॉलेज होगी तो लगभग ये आपको 800 रुपये का मिल जाएगा, 800 या 900 रुपये का, और कम भी मिल सकता है 700-800 रुपये का भी। तो मुझे ये 1080 रुपये का मिला है क्योंकि मैंने किसी से ये मंगवाया था, मैं खुद लेके नहीं आया हूँ। तो अब मैं आपको CDI ये बाद में डालता हूँ। एक चीज़ और मैं चेक करा देता हूँ, यहाँ पे मैंने आपको करंट दिखाया था और मैं यहाँ से वायर इसकी अटैच करता हूँ पर ये इसका फ्यूज उड़ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा अटैच करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे इसमें 12 वोल्ट DC करंट आता है, 24 की ऑन है, ये देखिए, ये देखिए। तो इसमें जो है 12 वोल्ट का DC करंट आता है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। देखिए फ्यूज जुड़ा तो नहीं, ठीक है। तो अब हम इसका CDI बदल लेते हैं, पकड़ो जल्दी। मैंने इसकी ये एक्स्ट्रा वायर लगाई है, ये सेल्फ वाली, और ये निकल गई थी तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। तो ये CDI मैंने कनेक्ट कर दिया है। इसमें एक वायर और है, ये ब्लैक के साथ बीच वाले सॉकेट में देख पा रहे होंगे, ब्लैक के दूसरी वाली वायर वो यहाँ पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे ये वायर जो है पहले से ये कट की हुई है। यहाँ पे दिखा दो थोड़ा नज़दीक करके, ये वाली वायर ये पहले से ये कट की हुई है। तो इसको चलो हम बाद में देखते हैं, और फिलहाल ये अगर ये हम नहीं जोड़ेंगे तो ये गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि इसका करंट से कोई लेना देना नहीं है। इसमें मेन तार दो होती हैं, एक ये वाली और एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, दो तारें होती हैं इसमें मेन तार स्टार्टिंग के लिए और तीसरी ये वाली सेल्फ के लिए।
तो ये हमने नया PDI डाल दिया है, ये इसका पुराना PDI है। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर करंट आया है या नहीं। मारो सेल्फ। देखो हाँ, तो करंट आ गया है। यहाँ पे मारो, दिखाओ। रुको, यहाँ पे दिखा दो। अब एक मिनट, तो दोस्तों ये करंट आ गया है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछें। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा है तो डिसलाइक कर दीजिए। मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।